हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राजन खन्ना और इस वक्त निकला हूं मैं कटरा शहर को देखने और मुझे लेना है RFID कार्ड क्योंकि कल सुबह हम लोग यात्रा शुरू करेंगे श्री माता वैष्णो देवी की। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे और एक्सप्लोर करते हैं इस यात्रा को। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं भवन का पवित्र रास्ता, ये मैं आपको पहली झलक दिखा रहा हूँ। ये भवन का पूरा रास्ता हमें कल ट्रैवल करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रसाद मिल जाएंगे। इसमें ड्राई फ्रूट वाला प्रसाद भी है जिसमें एक कॉइन भी आता है गोल्डन, और छोटा पैकेट भी आता है जिसमें सिल्वर कॉइन रहता है। और ये है यहाँ का स्पेशल आम पापड़। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भवन का रास्ता कितना ब्यूटीफुल लग रहा है रात को, और टेम्परेचर भी अच्छा है, कुछ 20 डिग्रीज के आसपास है। और ये है यहाँ का ओल्ड बस स्टैंड, और अभी गरम गरम चाय बनवाई जा रही है ताकि थोड़ी गर्मी आ जाए। जय माता दी। फ्रेंड्स ये जो आप सारी शॉप्स देख रहे हैं मेरे पीछे, ये 24/7 खुली रहती हैं। आप कितने बजे भी आइए रात को, ये खुली ही मिलेंगी आपको। और यहाँ पर आपको भोजनालय भी मिल जाएंगे और रेट्स आर वेरी रीजनेबल, आप किसी होटल में भी खा सकते हैं। तो मैं आपको पहली झलक दिखा रहा हूँ अर्थ क्वारी की। अभी अभी लाइटिंग हुई है वहाँ पर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी ले सकते हैं या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे ऑनलाइन लें और उसके बाद में आपको RFID लेना पड़ेगा, और RFID के टाइमिंग्स हैं सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कटरा मार्केट में आपको यात्रा चुन्नी मिल जाएगी, और ये भैया यहाँ पर ये बेच रहे हैं। ये कितने की देते हैं आप? 5 रुपये की एक मिलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये कटरा मार्केट बहुत अच्छी तरीके से लाइट से जगमगाता है। ये आप देखेंगे तो सामने मेन कटरा मार्केट के एंट्रेंस है, और लेफ्ट साइड में आपको तिरकुटा हिल्स भी दिखेंगे। रेस्टोरेंट्स की यहाँ पर भरमार है। तो फ्रेंड्स मैंने यात्रा चुन्नी ले ली है, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे है मेन बाजार कटरा का, चलिए उसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए एंटर करते हैं मेन बाजार में, देखते हैं कि ये कैसा है, एक्सप्लोर करेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पर मार्केट भरी हुई है प्रसाद से, विभिन्न तरीके के प्रसाद मिलता है। और ये कटरा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं। ये मार्केट ऑसम है यार, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो ये है केसर दूध, और ये है यहाँ की जलेबी, और ये है आलू टिक्की।
तो फ्रेंड्स मैं फुल ट्राई करूँगा कि मैं मैक्सिमम इस मार्केट को कवर कर सकूँ और आप सबको दिखाऊँ कि यहाँ क्या क्या मिलता है। और ये यहाँ की मशहूर टोपियाँ हैं, ये कैप्स हिमाचल में भी मिलती हैं। और ये जम्मू के राजमा हैं जो बहुत मशहूर होते हैं। और ये है ब्लूबेरी, और ये एक टाइप का लहसुन है, अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको कभी भी जॉइंट पेन नहीं होगा। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो ये कटरा की बहुत ही फेमस शॉप है सुभाष ड्राई फ्रूट्स, तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टोर काफ़ी बड़ा है, बहुत वैरायटी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, प्रसाद की, ड्राई फ्रूट्स की, चेरीज की, बहुत बहुत कुछ है यहाँ पर। और ये है ड्राई एप्पल। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ट्राई किए हैं, टेस्ट काफ़ी अलग है जो हमारे यहाँ मुंबई में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये है कश्मीरी मामरा बादाम, इसके अंदर ऑयल निकलता है, मैं दिखाता हूँ कि एक बादाम को अगर पीसा जाए तो उसका कैसा ऑयल निकलता है। तो ये देख सकते हैं कि इस बादाम को कूटने के बाद इसमें कितना ऑयल निकला है। हाँ ये सूखा वाला था लेकिन ये ऑयल वाला है। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको कश्मीरी केसर दिखाता हूँ। ये है 5 ग्राम का, क्या कॉस्ट है इसका? 2000 रुपये का। और इससे छोटा ये है 2 ग्राम 800 का। 2 ग्राम 800 का। और ये 1 ग्राम आ गया आपका 400 का। 1 ग्राम आ गया 400 रुपये का। ये कश्मीर का है, कश्मीरी केसर वाला केसर, इसके पास कोई केसर नहीं आता, आगे लाल पत्ती रहता है, पीछे रेड कलर की जड़ होती है। और ये कावा की वैरायटी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इसमें शुगर फ्री कावा भी आता है, क्या बात है। और यहाँ पर लोकल हनी भी मिलता है। तो यहाँ बहुत कुछ स्पेशल मिलता है जम्मू कश्मीर का, बहुत ही ऑथेंटिक। आप एक चीज़ देखने जाओगे तो आपको 10 चीज़ें और दिखेंगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये है चंदन। और यहाँ पर आपको अमृतसरी पापड़ की भी वैरायटी मिल जाएगी, बहुत टेस्टी होते हैं एक्चुअली। और ये है कश्मीरी चाय और कश्मीरी कावा। और ये फ्रेंड्स जो आप बैट्स देख रहे हैं ये कश्मीर विलो वुड का बना हुआ है, इसलिए आपको हर शॉप पे बहुत वैरायटी मिल जाएगी बैट्स की। तो फ्रेंड्स ये हैं कड़े, आपको अलग अलग वैरायटी के मिल जाएंगे। ये साइज़ देखिए इसका, बहुत ही बेहतरीन। ये हैं सेवक सिंह खालसा जी, इनका अटायर देख के मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। थैंक यू जी, जय माता जी। तो ये यहाँ पर मिल रही है स्पेशल कुल्फी, 20 रुपये की यहाँ पर एक कुल्फी मिलती है, बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में ये बनाते हैं यहाँ पर कुल्फी, ब्यूटीफुल। और ये है यहाँ का पान, और यहाँ पर भी मिल रहा है केसर वाला दूध, सुपर्ब है।
तो फ्रेंड्स मेरे साथ है नवी सिंह, ये लड़का यहाँ पर माता की फोटोज भेजते हैं, तो मैं आपको दिखाइए ये कितने की बेचते हैं आप? 100 की पेन बेचते हैं। 100 की बेचते हैं पूरा भवन वाला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू नवी सिंह, आपको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, जय माता दी बेटा, बाय। तो फ्रेंड मार्केट से बाहर आ चुका हूँ, अब जाऊँगा RFID लेने क्योंकि 10 बजे बंद हो जाता है, तो उससे पहले RFID की लाइन में लग के फट से ले लेता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन यात्रा पर्ची तो मैंने ले ही ली थी। जय माता दी, जय माता दी। तो ये है यहाँ का फेमस बंटा सोडा, फ्रेंड्स RFID की लाइन में लग चुका हूँ, तो फट से RFID कार्ड ले लेते हैं, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी वैष्णो देवी की। और ये RFID की लाइन है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, कुछ 30-40 मिनट्स में बारी आ जानी चाहिए। फ्रेंड्स RFID कार्ड मिल चुका है मुझे, और यही RFID कार्ड मेरी पूरी यात्रा के दौरान मुझे लेके जाना होगा। जय माता दी। तो फ्रेंड्स डिनर के लिए आया हूँ इस रेस्टोरेंट में, माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, चलिए अंदर चलते हैं देखते हैं कि खाना कैसा है इसका। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड, प्राइसेस जैसे रिजनेबल है, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, पंजाबी कॉन्टिनेंटल चाइनीज दे हैव एवरीथिंग ओवर हियर। और फ्रेंड्स ये है यहाँ के दही भल्ले, तो ये है मिस्सी रोटी, ये है कढ़ी पकौड़ा, और ये है पनीर बटर मसाला। और ये है यहाँ की पोनीज, पहाड़ी एरिया है तो सारा सामान इन पे लाद के जाता है। तो ट्राई करता हूँ यहाँ का केसर मिल्क, देखते हैं कि कैसा है। 60 रुपीज प्राइस है इसका, लग तो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ऑथेंटिक है, इसका जो अंदर मलाई का जो टेस्ट आ रहा है ना, बहुत ऑसम है, मज़ा आ गया। जब भी आए आप कटरा तो ये जरूर पिए। तो यहाँ से आप शिकारा भी देखे जा सकते हैं, जो कश्मीर का एक सुवनियर है। और ये है यहाँ का लोकल एप्पल, और राइट फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।